नमस्कार आदाब और सलाम अलैकुम मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार इसराइल फ़लस्तीन जंग पर नज़र रखे हुए है आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फलस्तनी में इसराइल के तमाम मजालम के बावजूद उसके जुर्म के ख़िलाफ़ डटने की हिम्मत कहाँ से आती है मैंने अपने जर्नलज़म के सफ़र में जहाँ की भी कवरेज की है ख़ासतौर से फ़िरका वाराना फसादात यानी कम्युनल दंगों या इंटरनेशनल जंगों के हालात को समझने के लिए मैंने वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी यानी नफ्सियात समझने की कोशिश की है जब आप लोगों के जहनी कैफियत को समझ लेते हैं तो हालात को समझना आसान हो जाता है आज के इस एपिसोड में हम फिलिस्तीनियों की जहनी कैफियत को समझने की कोशिश करेंगे शुरू में गजा पर हुकूमत करने वाले और इसराइल से आमने सामने की टक्कर लेने वाले हमास के लीडर इसमाइल हानिया का बयान आपके सामने पेश करूंगा। उसके बाद एक ऐसे फिलिस्तीनी राइटर मार्क मोहम्मद अयाश के तजुर्बा आपके सामने शेयर करूंगा, जिसने अपना बचपन इसराइली कब्जे में जरूसलम के पुराने शहर में गुजारा है वो इस वक्त कनाडा में अलबर्टा स्टेट में मौजूद माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी में स्टडी ऑफ वायलेंस सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते हैं उनके तासरत जानकर आपको महसूस होगा कि आम फिलिस्तीनी किस जहनी तकलीफ और किस हिम्मत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं आखिर तक ज़रूर देखें आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें और अगर आप हमें फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की ख़बर आपको सही वक्त पर मिल सके अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें आज की बड़ी ख़बर यह है कि गजा पर हुकूमत करने वाले और इसराइल से आमने सामने की इस वक्त जंग लड़ने वाले फिलिस्तीन के रेजिस्टेंस ग्रुप हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबरा इसमाइल हानिया ने गजा पट्टी पर इसराइली हमलों के खिलाफ धमकी देते हुए कहा है कि रेजिस्टेंस मोर्चा किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है इस्माइल हानिया जो दो हज़ार छः के इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं ने ट्यूज़डे को देर रात गए टी वी पर तक्रीर करते हुए कहा कि फ़लस्तनी मूमेंट ने यह फैसला लिया है कि जब तक इसराइल के क्राइम्स नहीं रुकेंगे और ज़ायनी मस्जिद अकसा का अनादर यानी इंसल्ट करना बंद नहीं करेंगे तब तक रेजिस्टेंस भी जारी रहेगा हानिया का कहना है कि इसराइली हमलों का जवाब देने और अपने लोगों के हक़ों को महफूज करने का हमें पूरा हक़ हाँ हासिल है आपको बता दूं कि इस वक्त इसमाइल हानिया गजा में नहीं बल्कि कहीं दूसरी जगह हैं कुछ महीने पहले उनके बैरूत में मौजूद होने की खबरें थीं तेलवीव पर 130 रॉकेट दागे जाने और इजरायली हमलों का जवाब दिए जाने की तारीफ करते हुए हमास के लीडर ने कहा कि ताकत का यह नया बैलेंस फलस्तनी रजिस्टेंस की एक बड़ी जीत है उन्होंने कहा कि फ़लस्तनी रजिस्टेंस मूवमेंट बैतलमुक़दस को इसराइलीओं के करम पर नहीं छोड़ेगा हानिया का कहना है कि बैतुलुमक़दस की लड़ाई में हम जीत गए हैं और हम लड़ाई को जारी रखने और जंगबंदी दोनों की हालत के लिए तैयार हैं आइए अब इस एपिसोड के सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं कतर की राजधानी दोहा से अल जजीरा चैनल की वेबसाइट पर एक बहुत ही अहम आर्टिकल फिलिस्तीनी राइटर मार्क मोहन्द अश ने लिखा है वो अब कनाडा के अल्बर्टा स्टेट में माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस पढ़ाते हैं उन्होंने फिलिस्तीनी नफ्सियात को बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया है उनके आर्टिकल का हेडिंग है कि डर के बैरियर को तोड़ो और फिलिस्तीनियों के हक़ में बोलो सोशल साइंस के एक्सपर्ट होने के साथ साथ होने की वजह से उन्होंने जिन अहम तजर्बा का जिक्र किया है वह काफी अहम है आर्टिकल की शुरुआत में मार्क ने लिखा है कि सामाजिक मूवमेंट के स्कॉलर सिविल नाफरमानी आजादी की लड़ाई लड़ने वालों और इनकलाबियों ने यह बात लंबी मुद्दत से समझी हुई है कि डर और खौफ ही कामयाबी हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट होती है मजलूम लोगों के लिए कुछ नहीं करने की हालत से निकलकर कुछ करने के लिए उन्हें इस डर की दीवार को तोड़ना होगा उन्होंने आगे लिखा है कि बदतरीन हालात में जैसे कि यहूदियों की कॉलोनी इसराइल में रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों में मुसलसल टॉर्चर बर्दाश्त करने के नतीजे में डर पैदा होता है जेलों में रहना मारना और मरना हर दिन बेइज्जत होना और गैर इंसानी बिहेवियर आमदनी बंद होने घर इज़्ज़त और आज़ादी और हकूक़ के छीने जाने के तजुर्बा की वजह से जो डर पैदा होता है इसकी बदतरीन मिसाल हैं लेकिन इन पिछले कुछ दिनों में फ़लस्तनी लोगों ने दुनिया को डर के सामने कभी नहीं टूटने वाली हिम्मत दिखाई है वो ना पहली बार है और ना ही आखिरी बार है मार्क अयाश ने आगे लिखा है कि फ़लस्तिन में, में मेरा बचपन काफ़ी अच्छा गुजरा है लेकिन फिर भी मैं इस डर को जानता हूँ जो आप न सिर्फ वायलेंस को देख कर बल्कि तजर्बों से सीखते हैं ऐसे हालात में भी जबकि आम तौर से बड़े वाकत नहीं होते और आम दिनों के दौरान भी बहुत कुछ सीखते हैं मार्क अयाश लिखते हैं कि 1990 की दहाई की शुरुआत में एक बच्चे के तौर पर मैंने पुराने शहर अल अल्स यानी जरूसलम में फ्रायर स्कूल में पढ़ाई की है स्कूल की आधी छुट्टी जिसे रिसेस कहा जाता है उसके दौरान हम हथियारबंद फ़ौजियों को शहर की दीवारों के ऊपर गश्त लगाते हुए देखते थे जैसा कि वे खुद को सुपीरियर आज़ाद इंसान समझते हों और हमें पिंजरे में बंद जानवर समझते हों और जब हम स्कूल से छुट्टी के बाद अल बलाद अल कदीमा यानी पुराने शहर की सड़कों से गुजरते तो हम अक्सर हथियार बंद इसराइली शहरियों जिनके हाथों में खुली बंदूकें होती थीं उनके बीच से गुजरते इस तरह वे हमारे सामने ताकत का मजाहरा करते और यह कहने की कोशिश करते कि हमें उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए इन रास्तों पर बातचीत के दौरान बच्चों के दरमियान उन कहानियों का जिक्र होता था कि इसराइली किस तरह से से जुल्म करते हैं और उनके घर वालों या रिश्तेदारों को इसराइलियों ने किस तरह से जेलों में टॉर्चर किया है इस दौरान कोसते और उस पर थूकते हुए भी नजर आते थे यह सिर्फ बैकग्राउंड पिक्चर है और अब के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर थी फिलिस्तीनी स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आज के हालात पहले के मुकाबले में बहुत बदतर हैं फिर भी उस तरह की कहानियों में एक के बाद एक इजाफा होता रहा हम जहां भी जाते हैं इस तरह की डर की कहानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती मार्क अयाश कहते हैं कि जब से मैंने दुनिया के बारे में अपने बचपन में होश संभाला है तभी से मेरे अंदर वो डर बैठा हुआ है वक्त के साथ साथ इससे बचने की कोशिशों के बावजूद अब भी वो डर खत्म नहीं हुआ कैनेडा में रिहायश हासिल करने के बाद भी कुछ आजादी का मजा चखने के बाद अपनी जिंदगी में पहली बार सिटीजनशिप हासिल करते हुए हुकूमती ढांचे कुछ हद तक सिक्योरिटी के झूठे एहसास के जरिए महफूज महसूस करने के बावजूद यह डर आपको कभी नहीं छोड़ता मुझे यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि इन यूरो अमेरिकी मुल्कों में मुझे फिलिस्तीन के बारे में बोलने से भी डरना होगा यूरो अमरीका में डर की एक अलग बुनियाद है उन मुल्कों में डर की कई वजह होती हैं जैसे सेंसर किया जाना काम से निकाल दिया जाना काम पर नहीं रखना या तरक्की नहीं दिया जाना फालतू कानूनी मामलों में घसीटा जाना बदनाम किया जाना परेशान करना डराना और खामोश किया जाना जैसी बहुत सी वजह होती हैं इन मुल्कों में ये डर इतना नेचुरल इतना फैला हुआ है कि यूरो अमेरिकी मुल्कों में कुछ लोगों को हकीकत में लगता है कि वे इस डर दर से डरते ही नहीं हैं मार्क अयाश आगे लिखते हैं कि पहले मुझे ये साफ कर देना चाहिए कि ये डर कनाडा अमेरिका यूनाइटेड किंगडम जर्मनी फ्रांस जैसे मुल्कों में बड़ी रुकावट नहीं है ये मुल्क और उनके पॉलिटिकल एजुकेशनल कारोबारी और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पूरे स्ट्रेटेजिक तरीके से इसराइल से जुड़े हुए हैं ये मुल्क और उनके इंस्टीट्यूशन एक्टिव तरीके से पूरी दुनिया में कॉलोनियल सोच सदियों से फैला रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि इन सभी इंस्टीट्यूशंस में जो कलोनियल सोच से बाहर होने की बात कहते हैं वो भी फिलिस्तीन का नाम सुनते ही खामोश हो जाते हैं और सिर्फ ये जवाब देते हैं कि फिलिस्तीन का मामला बहुत पेचीदा और कंट्रोवर्शल यानी विवादित है मार्क अयाश आगे लिखते हैं कि ये वही लोग हैं जो हर निजी बातचीत में मानते हैं और जानते हैं लेकिन कभी भी खुले तौर पर कबूल नहीं करते इसलिए इस हालत में डरने के बावजूद ये लोग डरने से इनकार करते हैं मार्क अयाश आगे लिखते हैं कि अक्सर यूरोप और अमेरिका के लोग फिलिस्तीन के बारे में बात नहीं करना चाहते इस हालत में ऐसा जाहिर करते हैं कि वो ये नहीं जानते कि उन्हें किस बात को गलत और किस सही समझना चाहिए लेकिन वो आगे लिखते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि जायोनी नज़रिए वाले लोग अपनी हकीकत को नहीं समझते हैं हकीकत में कुछ जायोनी नज़रिया रखने वाले लोग कुछ जगहों पर आज़ादी से बोलते हैं जैसा कि हमने हालिया वायरल वीडियो में देखा है इसे देखकर आपको जायोनी नज़रिए को समझना आसान हो जाएगा हाल ही में शेख जर्रा में जब एक फ़लस्तनी औरत अपने घर के हिस्से पर कब्जा करने वाले यहूदी से कहती है कि तुमने मेरे घर की चोरी की है तो उस पर यहूदी कहता है अगर मैं आपका घर नहीं चुराता कोई और इसे चुरा लेगा वे जानते हैं कि वे चोरी कर रहे हैं और यह भी जानते हैं कि वे वहाँ लोकल फ़िलिस्तीनियों को ख़त्म करने और बदलने के लिए मौजूद हैं मार्क अयाश आगे लिखते हैं कि फ़िलिस्तीनियों ने डर की रुकावट को तोड़ दिया है जिसे यूरो अमरीका के लोग कभी महसूस नहीं कर सकेंगे फलस्तिन में डर के जिंदा तजर्बे यूरो अमरीका में डर के जिंदा तजर्बों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा खतरनाक और ज़बरदस्त हैं मैं नौकरी की गैर यकीनी हालत बदनाम परेशानी जैसी यूरो अमरीकी तजर्बे के बोझ से नहीं छूट रहा हूं लेकिन जो लोग फिलिस्तीनी हकूक के लिए बोलते हैं उनके लिए ये नतीजे पहले से ही एक सच्चाई हैं और तब्दीली के लिए एक कलेक्टिव इच्छा शक्ति यानी विल पावर होनी चाहिए और डर की रुकावट को तोड़ने और इसके लिए एक साथ नतीजे का सामना करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ अच्छी खबर यह है कि हमने दूसरे मामलों में तजर्बा किया है कि जब कलेक्टिव तरीके से कार्रवाई की जाती है तो उसके नतीजे ना तो ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं और ना ही वे लंबी मुद्दत तक रहते हैं वो आगे लिखते हैं कि ये कहने का वक्त है कि बहुत हो गई जेलों की सजाएं बहुत हो गया कब्जा और कलोनियलजम बहुत हो गया डर से बचना फलस्तनीों ने अपने डर की दीवार को तोड़ने का सिलसिला जारी रखा है अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो मेरे पढ़ने वालों अगर आप हकीकत में दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको अपना डर खत्म करना होगा यह बात मार्क अयाश ने लिखी है आपने देखा कि फिलिस्तीनी मूल के कनाडा में रहने वाले राइटर मार्क मोहम्मद अयाश ने बुनियादी बात यही कही है कि सभी शैतानी ताकतें कमज़ोरों को डराती हैं फिलिस्तीनियों ने अपने ऊपर से डर ख़त्म करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है दुनिया के हर मज़लूम को डर ख़त्म कर देना चाहिए दुनिया में ताकत की बुनियाद पर डराने के ज़रिए ही हकूक छीने जाते हैं मार्क अयाश का कहना है कि फिलिस्तीनी अब डर से बाहर निकल रहे हैं दुनिया के सभी मज़लूम लोगों को डर से बाहर आना चाहिए और कलेक्टिव तरीके से सामना करना चाहिए ताकि उसका नतीजा ज़्यादा खतरनाक ना हो और जुल्म से जल्द निजात मिल सके हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने भी यही कहा है कि वो हर तरह से तैयार हैं इसराइली अगर जंग चाहते हैं तो वे जंग के लिए तैयार हैं और अगर अमन चाहते हैं तो वो अमन के लिए तैयार हैं ये बात तभी कही जा सकती है जब डर खत्म हो चुका हो आज के इस एपिसोड में बहुत कुछ गौर करने के लिए है दुनिया के सभी मजलूमों को अपने दिल और दिमाग से डर निकाल देना चाहिए आप बताइए कि क्या आप मार्क के नज़रिए को सही समझते हैं या गलत इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया जय भारत जय हिंद मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें